तो जो आज की हमारी क्लास है वो क्या है, पीएसएल लॉजिक। और पीएसएल लॉजिक को जिसको हम पावर सप्लाई लॉजिक भी कहते हैं, कैसे वो काम करता है हमारे सर्किट में, स्टेप डाउन का जो हमारा 3 वोल्ट और 5 वोल्ट होता है उसमें वो कैसे रोल प्ले करता है, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे हम एक बात को हमें समझ लेना है कि पीएसएल लॉजिक का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा किस में। तो 90% केस यही होता है कि अगर आपका बिस्टोन का मैन्युफैक्चर है जिसने बोर्ड को बनाया है और आयो जो है उसमें जो सुपर आयो है वो नोवोटोन की लगी हुई है, तो ये समझ लेना कि वहाँ पे पीएसएल लॉजिक का कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्कीमेटिक है डेल 3542 का, ठीक है। तो हम इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं, तो ये हमारा जो मैन्युफैक्चर है इसका वो कौन है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि क्या है हमारा, ये डेल बिस्टोन कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये किसने बनाया बोर्ड, बिस्टोन ने। थोड़ा सा हम इसके ब्लैक डायग्राम में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ये आयो लगा हुआ है, ठीक है, जो हमारा आयो चिप यहाँ पे लगा हुआ है वो केबीसी नोवोटोन यानी एनपीसी का आयो लगा हुआ है, और बिस्टोन का बोर्ड है हमारा, यानी मैन्युफैक्चर इसको किसने किया है, बिस्टोन ने। तो जब ये बिस्टोन और नोवोटोन का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो इसमें आपको पीएसएल लॉजिक मिलना है, यानी कि पावर सप्लाई लॉजिक आपको मिलना है। कैसे काम करता है, कई बार हमने ये देखा है कि जब हम बोर्ड को पावर इंजेक्ट करते हैं, पावर देते हैं, तो 19 वोल्ट बन जाता है, साथ ही साथ एलडीओ भी बन जाता है स्टेप डाउन का, मगर कहीं ना कहीं 3 वोल्ट और 5 वोल्ट नहीं बनता। तो 3 वोल्ट और 5 वोल्ट नहीं बनने का कारण क्या होता है कि उसका इनेबल हम चेक करते हैं, बस यही मोटी मोटी चीजें चेक करते हैं, इनेबल चेक करते हैं, इनेबल लो मिलता है। क्या मिलता है, इनेबल लो मिलता है। इनेबल लो होने की वजह से क्या होता है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट जनरेट नहीं होता है। तो ये जनरेट जब 3 वोल्ट 5 वोल्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इसमें दो चीज जो ऐसी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है आपके इनेबल सिग्नल को लो कराने के लिए, जिसमें नंबर एक आपका हो गया थर्मल, थर्मल प्रोटेक्शन का जो सर्किट होता है वो भी अटैच होता है हमारे इनेबल के पास से, है ना, 3 वोल्ट 5 वोल्ट के, तो वो भी लो कर सकता है। अगर पीएसएल लॉजिक का कॉन्सेप्ट है तो पीएसएल लॉजिक भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर पीएसएल लॉजिक आपका गड़बड़ है, यानी कि पीएसएल लॉजिक आपका सही नहीं है, तो आपका वो पाथ जो है लो हो जाएगा और 3 वोल्ट 5 वोल्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो आयो है, आयो की डिटेल हमें कहाँ पे मिलेगी, पेज नंबर 24। तो 24 को हम सर्च कर लेते हैं, सीधे हम अपने आयो पे जाते हैं, यहाँ पे हमने डाला 24 और 24 के बाद में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो ये मेरी सुपर आयो यानी कि एस आयो हमारी यहाँ पे लगी हुई है, इसको हम जूम आउट करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है, इसको देख के आपको क्या लगता है कि यहाँ पे हमारा PSL in 1, PSL in 2, यानी कि जो PSL लॉजिक होता है उसके 2 इनपुट होते हैं, ठीक है। PSL लॉजिक के कितने इनपुट होते हैं, 2 इनपुट होते हैं, PSL in 1 और PSL in 2। जब ये दोनों इनपुट परफेक्ट आते हैं उसके बिहाफ पे ही क्या करती है, जो हमारी आयो होती है वो PSL आउट को जनरेट करती है, ठीक है। इनमें से अगर एक भी इनपुट आपका ठीक नहीं हुआ, PSL out आपका ठीक नहीं होगा, और PSL out अगर आपका इनेबल के पाथ को लो कर देता है तो फिर आपका इनेबल नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं हमें पहले तो इन दो इनपुट्स को देखना होगा कि जो हमारे PSL in 1 और PSL in 2 है, जो इनपुट्स है वो कौन से इनपुट्स होते हैं। तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, इनमें से एक जो इनपुट हमारा होता है वो हमारे पावर बटन का इनपुट होता है, और दूसरा जो इनपुट होता है वो हमारी जो चार्जिंग आईसी होता है उसका एसी ओके, जिसको एसी इन भी कहते हैं, दूसरा इनपुट वो होता है। ये दोनों इनपुट इसको परफेक्ट मिलने चाहिए, उसके बाद क्या होता है, पीएसएल आउट जनरेट होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सर्च करते हैं, इसको सर्किट को समझने के लिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं थोड़ा सा, और ये जो हमारा पीएसएल है इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। तो ये पावर सप्लाई यानी पावर स्विच लॉजिक भी बोलते हैं इसको, पावर सप्लाई लॉजिक भी लोग बोलते हैं, तो आपकी मर्जी आप क्या बोल सकते हैं इसको। तो पावर स्विच लॉजिक यानी कि पीएसएल लॉजिक का देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, पहला जो इनपुट इसका जो है वो केबीसी पावर बटन है, यानी कि ये जो है आपका जो पावर बटन होता है
है ना, ये उसका एक इनपुट है। तो उसका इनपुट है, अगर पावर बटन आपका प्रेस नहीं हुआ है तो यहाँ पे कितना वोल्ट आना चाहिए, पावर बटन पे कितना वोल्टेज होता है आपका 3.3 वोल्ट, ऑक्सिलरी वोल्टेज होता है, एलडीयू का वोल्टेज होता है ना। दूसरा जो इनपुट देख रहे हैं वो एसी इन हैज है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे हमें कितने इनपुट आ रहे हैं, दो इनपुट आ रहे हैं, ठीक है। दो इनपुट आपको यहाँ से आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। और दूसरा इनपुट ये हमारा आ रहा है, ये दोनों ही इनपुट जो है आगे जाके क्या बन जाते हैं, ये PSL इन टू बन जाता है और ये वाला हमारा PSL इन वन बन जाता है। तो ये दोनों इनपुट्स को हम यहाँ पे देख लेंगे, ओके। सर्च कर लेते हैं एक बार संतुष्टि के लिए कहाँ से आ रहा है ना। तो इसको हम यहां से कॉपी करेंगे, इसको हमने यहां से कॉपी किया, पेस्ट किया और इसको नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। ये जो हमारा कहां से आ रहा है, पावर स्विच, ये हमें क्या दिख रहा है यहां पे, कहीं ना कि मुझे ये पावर बटन अपना दिख रहा है, ठीक है। तो ये पावर बटन को जो हम प्रेस करते हैं उसका कॉन्सेप्ट तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि पावर बटन कैसे हमारा काम करता है, ठीक है। हाई लो हाई उसका कैसे होता है, तो केबीसी पावर बटन आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं कि ये मेरा स्विच है जिसमें हमारा जो पावर बटन होता है उसकी जो कनेक्टर होता है इसी से कनेक्ट रहता है, इसी कनेक्टर से वो कनेक्ट रहता है। तो यहाँ से एक सिग्नल जाएगा, है ना। तो एक तो PSL लॉजिक का इनपुट ये हो गया, दूसरा कौन सा है उसको भी हम देखेंगे, दूसरा हमारा एसी इन है। एसी इन को मैंने आपको बार बार बताता आया हूँ क्या होता है, ये हमारा जो चार्जिंग आईसी होता है इसका पावर ओके होता है, कई नाम से आपको मिलेगा ये, एसी इन के नाम से मिलेगा, है ना, एसी ओके के नाम से मिलेगा, कई बार ये हाई भी होता है, कई बार लो भी होता है, तो ये आपको ये मिलता है, ठीक है। ये बहुत जगह आपको मिलेगा, इसका बर्थ प्लेस अगर आप देखने जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका बर्थ प्लेस जो होगा वो चार्जिंग आईसी से होगा। देखो ये क्या लिखा है, एसी ओके हैच, यानी कि ये जो चार्जिंग आईसी है यहां से एसी ओके मेरा क्या आएगा, हैच यानी कि लो होगा, एसी इन लो होगा। कई बार क्या होता है 3.3 वोल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हमें पहले से ही दिख रहा है क्या है, ये लो है, एसी ओके हैच है। और आईसी भी आप देख रहे हो ना, चार्जिंग आईसी, तो उसका नंबर भी आप यहाँ पे देखो, HPA 0224, ठीक है। इसके बारे में हमने बहुत स्टडी करी है, डिटेल भी हमने निकाली थी इसकी, तो हमें क्या मिला था कि इसका एसी के ओके क्या होता है, हमेशा लो रहता है, ठीक है। तो दूसरा इनपुट तो इसका ये हो गया, ये दो इनपुट हो गए। केबीसी पावर बटन पे हम बार बार आपको बताते आए कि उस पर क्या होता है, एक पुलअप दिया जाता है, और ये पुलअप कहां से आता है हमारा, जो स्टेप डाउन की आईसी होती है हमारी 3 वोल्ट 5 वोल्ट, उसका ये 3.3 वोल्ट का एलडीयू वोल्टेज होता है। इसको 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी S5 बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसको एक जम्पर की जम्पर लगाने के बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया। अगर हम इसको चेक करने जाते हैं तो ये देख लेते हैं, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये देखो हमारा कई जगह, बहुत जगह जाता है ये, है ना। इसका बर्थ प्लेस मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये इसका बर्थ प्लेस मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा इसका बर्थ प्लेस, अभी तो नहीं, ये नहीं है बर्थ प्लेस, ठीक है। और आते हैं थोड़ा सा और करना पड़ेगा, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी S5, इसका नाम चेंज हुआ है जम्पर लगाने के बाद में। जम्पर लगाने से पहले इसका जो नाम था वो क्या था, 3.3 वोल्ट पावर 2। 3.3 वोल्ट पावर 2 को हम यहाँ पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ये जो हम देखते हैं यहाँ पे, तो BRace 3 3 वोल्ट का ये LDU है और ये मेरा BRace 5 यानी 5 वोल्ट का LDU है। तो यहाँ पे देखते हैं तो इसका ये जो नाम है वो क्या हो गया, जाके 3.3 वोल्ट पावर 2, यानी कि ये LDU का वोल्टेज है। इसी को क्या किया कि यहां से इसको इस पे दे दिया, और जम्पर लगाने के बाद क्या हो गया, इसका नाम चेंज हो गया 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी S5। तो ये मेरा LDU का वोल्टेज है, समझ में आ गया, ठीक। LDU का वोल्टेज बहुत जगह जाता है, आप यहां से भी आइडिया ले सकते हैं, यहां पे आ जाते। तो PSL इन टू हैज और PSL इन वन हैज, ठीक है। PSL इन टू हैज क्या है आपका, जो आपका पावर बटन है, पावर स्विच का इनपुट है कह सकते हैं, और एसी इन है जो आपकी चार्जिंग आईसी का पावर गुड कह सकते हो, पावर ओके कह सकते हो, वो PSL 1 है, यानी कि दोनों ही सिग्नल आपके परफेक्ट होंगे,
तभी आपकी ये जो इनपुट्स हैं ये आगे जाके पीएसएल आउट को क्या करेंगे, जनरेट करेगी हमारी जो आईसी है आईओ आईसी। तो ये आईओ पे जाने चाहिए, ठीक है। ये कहाँ जा रहे हैं, आईओ पे जा रहे हैं, ठीक। तो आईओ पे अभी हमने चेक किया था, बताया था कि आईओ पे ये जाते हैं। हम इसको एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं इसको लेकर, ठीक है। अब ये सर्किट हमारा जो है किस तरह से काम करता है उस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा जो ये दोनों इनपुट को आप देख लो, ये दोनों इनपुट आपके परफेक्ट होने चाहिए। PSL in 2 आपके पावर बटन का मैंने आपको बताया, PSL in 1 किसका है आपका जो चार्जिंग आईसी का पावर गुड है ना, ये चार्जिंग आईसी का आपका पावर गुड है और ये आपका पावर बटन का है। तो पावर बटन का तो 3.3 वोल्ट आपको मिल ही रहा है ना, और चार्जिंग आईसी का क्या है, ACO के लो आ रहा है, AC in लो आ रहा है। तो एक तो आपका हाई हो गया और एक लो हो गया, यानी कि दोनों इनपुट्स में एक हाई रहेगा और एक लो रहेगा। जब ये हाई और लो दोनों इनपुट्स रहेंगे उसी के आधार पे क्या करेगी हमारी जो सुपर आयो हो वो क्या जनरेट करेगी, आपका PSL आउट को जनरेट करेगी, ठीक है। तो PSL आउट जनरेट करेगी, तो PSL आउट को हम देखते हैं कि सर्किट में कैसे इसको अटैच किया गया है हमारे 3 वोल्ट 5 वोल्ट के इनेबल सर्किट में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करने के बाद में हम इसको पेस्ट करेंगे और इसी के साथ भी देखेंगे कि कहाँ पे अटैच है हमारा, ठीक है। तो PSL आउट जो है वो ये रहा, यहाँ पे लिखा है PSL आउट। तो इस सर्किट को समझने के लिए थोड़ी सी इसमें स्टडी आपको करनी पड़ेगी, अगर ये आप सर्किट नहीं समझ पाते हैं तो इस केस में PSL जिसमें लगा होगा PSL यानी पावर स्विच लॉजिक उसको आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है, उसको आप नहीं बना पाएंगे। तो PSL आउट यहाँ पे आएगा हमारा। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है, यहाँ पे PSL आउट में ये क्या मेरा PSL out hatch, यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या है मेरा लो है, राइट, ये मेरा लो है। अब ये लो आएगा तो ये पूरा पाथ यहां तक का ये पाथ जो होगा, यहाँ पे रजिस्टर भी देखो 1 किलो ओम का, ठीक है, 1 किलो ओम का ये पाथ मेरा लो हो जाएगा, ये पाथ मेरा लो हो जाएगा। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले यहां पे देखो, यहां आ जाते हैं, ये रहा मेरा S5 का इनेबल, ये मेरा S5 का इनेबल है। इनेबल किससे कनेक्टेड है, अगर हम इनेबल को देखते हैं तो हमारे इस MOSFET के थ्रू कनेक्टेड है और ये 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी KVC ये मेरा कहां से आ रहा है। तो ये देखो ये 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी S5 था, ये S5 था, ये यहां से पास होके कहीं ना कहीं ये इधर आएगा और यहां पे आने के बाद इसका नाम जो है KVC हो गया, यानी इसका नाम चेंज हो गया और यही चीज इससे अटैच हो गई। इसी का पुल अप किसको दे दिया गया, इसको दे दिया गया। तो ये पुल अप इस लाइन पे आपको पुल अप मिलेगा, यानी कि इस पे आपको कितना वोल्ट मिलेगा, 3.3 वोल्ट आपको मिलेगा और यही आगे आपको चला जाएगा। अगर ये पाथ लो हो जाए, पाथ अगर कोई सा मेरा लो हो गया तो क्या होगा, ये वोल्टेज तो नहीं जाएगा, पाथ तो हाई रहेगा नहीं फिर। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो हम इसकी स्टडी करते हैं। ये मेरा 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी X5, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे 3 वोल्ट आपका आएगा, वो 3 वोल्ट आपका किधर जाएगा, इधर जाएगा, वो आपके इस MOSFET के किस पे आएगा, ड्रेन पे आएगा, ड्रेन पे आएगा, मेरे ख्याल से सोर्स पे आएगा, ये सोर्स पे आएगा, क्योंकि MOSFET जो हमारा है वो पी चैनल का MOSFET है और पी चैनल के MOSFET को आपको पता है कि वर्किंग कंडीशन क्या होती है, कि उसका जो गेट पे वोल्टेज हो वो आपका लो होना चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ उसके इनपुट वोल्टेज के, ठीक है, जीरो हो जाए या फिर उसके हाफ हो जाए, है ना, जो इनपुट वोल्टेज का हाफ हो जाए। तो वो यहाँ पे देखो कैसे आएगा। अब सेम सिस्टम यहाँ पे आप बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं, ये पाथ मेरा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, लो होते ही जो ये वोल्टेज है वो तो इधर आएगा नहीं, 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी S5 तो यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज हमारी किससे जुड़ी हुई है, इधर जुड़ी हुई है, ये दोनों कनेक्टेड पॉइंट्स हैं। ये देखो अगर आप देखोगे तो ये 3.3 वोल्ट कनेक्टेड पॉइंट्स, ये कनेक्टेड है, ठीक है, राइट। तो ये वोल्टेज जो होगा वो इधर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पाथ जो है वो लो है। ये कैसा पाथ हो जाएगा मेरा, ये पाथ मेरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा लो हो जाएगा, ठीक है, ये पाथ मेरा लो हो जाएगा, लो हो जाएगा पाथ ही मेरा। अब ये जब मेरा पाथ ही लो हो जाएगा, कंडीशन मेरे पास दो बनती है, इसको मुझे क्या रखना है,
ये जो मॉसफेट है इसको मुझे क्या रखना है, ऑन रखना है ऑफ रखना है, इसको मुझे ऑफ रखना है। अगर ये मेरा ऑन हो गया, ध्यान से समझना भाई मेरे, ये अगर मेरा ये ऑन हो गया तो ये ग्राउंड जो होगा वो कहां से अटैच कर देगा, ये पता है आपको, ये ग्राउंड मेरा इस पाथ पे चला जाएगा ना। तो S5 enable का जो सिग्नल जाएगा जिस पाथ पे, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा है? ये मेरा लो हो जाएगा, मेरा लो हो जाएगा। तो मुझे ये तो नहीं रखना है ना, इसको ऑफ रखना है, समझ में आ रहा? मुझे ये क्या रखना है, इसको ऑफ रखना है, यानी कि ट्रिगर ही ना करे, ये कट ऑफ रहे। तो इसको मुझे कट ऑफ मोड में रखना है, किसमें रखना है, इसको मुझे कट ऑफ रखना है, कट ऑफ मोड में इसको रखना है, ये मेरा कट ऑफ रहे, ठीक है। तो ये कट ऑफ कैसे रहेगा, कट ऑफ इसलिए रहेगा क्योंकि ये हमारा कैसा है, एन चैनल का है, एन चैनल का है, तो इस पर वोल्टेज नहीं आना चाहिए, यही है ना, कि इसके गेट पे जो है वो वोल्टेज नहीं आना चाहिए, गेट पे इसके वोल्टेज नहीं आना चाहिए, गेट पे इसकी वोल्टेज नहीं आए तो उसके लिए क्या चाहिए, इसका पाथ लो होना चाहिए। तो इसके पाथ को मुझे क्या रखना है, इसके पाथ को मुझे लो रखना है, इसका पाथ लो रहना चाहिए, है नहीं, राइट। तो इसका पाथ लो रहेगा कैसे, लो तभी तो रहेगा ना, ये पूरी लाइन लो हो जाए, ये पूरी लाइन लो हो जाए तो इसका भी पाथ लो हो जाएगा, क्योंकि लो इधर भी आ जाएगा ना फिर, तो ये लो इधर आएगा कैसे, तो पीएसएल जो आउट है वो इसको लो करेगा, किसको लो करेगा, यहां तक इस पूरे पाथ को लो करने का काम जो होगा, इस पाथ को लो करने का काम होगा वो किसका होगा, पीएसएल आउट का। तो पीएसएल आउट यहां पे अगर लो आएगा तभी पूरा पाथ यहां तक का क्या हो जाएगा मेरा, लो, ये भी लो हो जाएगा, ऑलमोस्ट लो हो जाएगा। लो होते ही क्या होगा कि जो इधर वोल्टेज आ रहा था 3.3 वोल्ट और S5 वो इधर नहीं आएगा, वो वोल्टेज आपका इस साइड होल्ड रहेगा, इधर वो वोल्टेज नहीं आएगा, राइट। ये हमारा लो हो गया, लो होती है क्या कर जाएगा, कंडक्ट कर जाएगा, क्योंकि ये हमारा पी चैनल का मॉसफेट है, और जैसे ही ये कंडक्ट करेगा ये वाला जो वोल्टेज है ये, सॉरी इधर से आपका इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, ठीक है। तो ये वाला वोल्टेज जो है गेट के जब इसका कनेक्टेड हो जाएगा तो ये वोल्टेज जो होगा आपका सीधे इधर सा होते हुए आपका इस पाथ से निकल जाए, ठीक है, ये पाथ पे आ जाए, और ये वोल्टेज हमारा यहां से होता हुआ ये इधर, ठीक है, राइट। ये दोनों एक ही जुड़े हुए पाथ है, ये पाथ मेरा जुड़ा हुआ है। तो ये वोल्टेज मेरा कौन सा था, ये 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी केबीसी बन गया, और केबीसी इसका पुल अप बन गया जाके, यही से आएगा, इसका ऑन होना जरूरी है, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, इसका मेरा ऑन होना जरूरी है, मेरा ऑन हो गया, ठीक। इसको कट ऑफ यानी कि ऑफ रहना है, इसको ऑन होना है, ऑन होने के लिए मुझे यहाँ पे पीएसएल आउट चाहिए था, पीएसएल आउट आएगा तभी ये पाथ लो होगा, लो होते ही क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा। सोच के देखो, अगर ये पीएसएल आउट नहीं आया, पाथ हाई हो जाएगा, पाथ हाई होती है क्या होगा, ये वाला वोल्टेज यहां से आ जाएगा, ये वाला वोल्टेज यहां से आएगा, इस पे भी जाएगा, जब ये इस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, पी चैनल का मॉसफेट है, और जब वोल्टेज ये यहां पे आएगा एलडीए का, ये ऑन हो जाएगा, ऑन होते ही क्या करेगा, ये इस पाथ को लो कर देगा, ग्राउंड पहुंच जाएगा, यहाँ लो होते क्या होगा, S5 इनेबल का ये पाथ है लो हो जाएगा, यानी कि इनेबल वहां पहुंचेगा ही नहीं। तो कुल मिला के मुझे ये समझ में आ रहा है कि पीएसएल आउट का जो रोल है वो बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन, अगर आपके बोर्ड में बिस्टॉन का बोर्ड नोवोटॉन की आयो है, पीएसएल लॉजिक का सर्किट यूज हुआ है, तो आपको यहाँ पे जरूर देखना है कि आपका पीएसएल आउट कहीं हाई तो नहीं है, अगर हाई है आप इसको दो इनपुट्स है उन पर काम करके देखो, है ना, पावर बटन का इनपुट होता है, दूसरा इनपुट किसका है आपका, इसका चार्जिंग आईसी का पावर ओके का, ये दोनों इनपुट जब आपकी आयो को मिलेंगे तभी ये पीएसएल आउट जनरेट होगा, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहां समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, अगर ये आपका कट ऑफ रहेगा तो ये वोल्टेज आराम से क्या होगा, ये पाथ हमारा हाई रहेगा उस कंडीशन में, ठीक है, राइट, मेरा पाथ जो है वो कैसा रहेगा, हाई रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है।
ये हाई रहेगा, ये पूरा पाथ हमारा ये यहाँ पे हाई रहेगा। कब रहेगा? जब ये ऑफ रहेगा। तो ये मेरा पाथ ऑटोमेटिकली जो मेरा हाई था तो ये फिर हाई हो जाएगा, पूरा पाथ ही हाई हो जाएगा ये। तो ये मेरा कहाँ जाएगा? चलो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा कॉपी करता हूँ। अभी हम आपको इसको जोड़ के दिखाते हैं कि कैसे मेरा काम करेगा, ठीक है। अगर ये मेरा पाथ हाई है तो S5 enable मेरा कैसे काम करेगा, मेरे स्टेप डाउन के चिप तक ये कैसे पहुंचेगा, ये enable जो 3 volt 5 volt को enable करने के लिए है, उस चीज को हम देखेंगे। तो ये S5 enable है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके साथ में देखो PSL लॉजिक आपका कैसे जुड़ा होगा। तो यहाँ पे आपको दो चीजें दिखेंगी अभी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। इस सर्किट में आप देखो, एक तो प्योर हार्डवेयर शटडाउन है, दूसरा S5 enable है। दोनों का पाथ आप देखना, दोनों का आप पाथ देखें, थोड़ा सा और मिनिमाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा इसको, कहीं ना कहीं अब ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है ये थर्मल का प्रोटेक्शन है। किसका प्रोटेक्शन? ये मेरा ये थर्मल का प्रोटेक्शन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्मल, ये मेरा थर्मल का प्रोटेक्शन है। ये आपको हर बोर्ड में लगभग मिलेगा थर्मल प्रोटेक्शन। ये तब होता है जब हमारा सीपीयू ज्यादा हीट करता है तो वहां पे एक एनटीसी लगा होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट एक रजिस्टर लगा होता है। उसकी वैल्यू क्या होती है? जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है वैल्यू उसकी कम होती जाती है, ठीक है। तो वहां से क्या होता है कि अगर वो एक रेंज को पार कर जाता है तो हमारी आयो क्या करती है, यहाँ पे जो प्योर हार्डवेयर शटडाउन है ये यहाँ पे आ जाता है, और हैच का मतलब ये पाथ को लो कर देता है। आयो क्या कर देती है? इस पाथ को लो कर देती है। लो करने से देखो क्या होगा, लो करने से क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लो ये मेरा पाथ है ये वाला, ये लो हो जाए, क्या हो जाए, ये लो हो जाए, ये मेरा पाथ यहाँ पे लो हो जाएगा। दोनों चीजों को समझ लेते हैं, थर्मल का भी आज ही क्लियर कर लेते हैं और ये हमारा S5 का भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा पाथ अगर लो हो जाता है, पाथ लो होने की वजह से क्या होगा, ये मेरा क्या लगा हुआ, एक डायोड लगा हुआ। क्या प्रॉपर्टी होती है डायोड की? अगर उसका कैथोड लो हो गया तो एनोड भी लो हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी होती है ना। तो इधर भी अगर हम देखें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ये भी मेरा लो हो गया। अब ये जो पाथ मेरा यहां तक का पूरा पाथ मेरा ये लो हो गया, तो यहाँ पे समझो ये जो S5 enable आ रहा था मेरा, ये क्या था मेरा, ये S5 enable था मेरा, ठीक है, ये आ रहा था। तो ये जो इधर आएगा तो आपको क्या लगता है, इधर जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये पाथ तो लो है, आपका इधर ही होल्ड हो जाएगा, इधर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पाथ लो है और वोल्टेज को पाथ पे ट्रेवल करने के लिए पाथ को हाई चाहिए, है ना, रास्ता ही बंद है, तो ये S5 enable जाएगा ही नहीं। अब ये जो 3 volt 5 volt का enable है वो किससे जुड़ा था आपका, सीधे आपकी चिप से जुड़ा था, चिप को enable देने के लिए जा रहा था, है ना, ये आगे चला जाएगा ना। तो इस पाथ को हमें लो नहीं रखना, इस पाथ को हमें लो नहीं रखना, ठीक है, ये पाथ को हमें लो नहीं रखना। तो PSL out का बस वही काम था कि पहले से ही ये लो हो जाता, PSL out अगर हाई होता है तो यहां तक ये लो ही आता। अब PSL out आपका ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पे ये तो आ रहा होगा वोल्टेज, लेकिन वो वोल्टेज कहाँ रुक जाएगा, यहाँ होल्ड होल्ड हो जाएगा, यानी कि जो भी आपका ये 3.3 वोल्ट आ रहा था, ठीक है, ये कब आया, ये चीज ध्यान रखना, ये तब आया जब आपका PSL out ओके था। अगर PSL out ओके नहीं होता तो ये वहीं से नहीं आता, वहां पे ऑलरेडी पाथ लो होता, तो फिर यहाँ पे क्या आता, फिर आपका जीरो वोल्ट आता, है ना। तो यहाँ पे क्या आता आपका, तो आपका जीरो वोल्ट आता, वोल्टेज ही नहीं होता। तो एक चीज तो आपको चेक करने का तरीका यहीं पे आप चेक कर सकते हो कि इस पाथ के रजिस्टर की एक साइड अगर आपका 3.3 वोल्ट आ रहा है, आप समझ जाओ कि आपका PSL out ओके है, PSL लॉजिक का जो सर्किट है वो आपका ओके है। अगर जीरो आ रहा है आप PSL पे काम करो, है ना। दूसरी चीज ये थर्मल प्रोटेक्शन लगा हुआ है, ये पाथ हमेशा हाई रहना चाहिए। अगर ये लो हो रहा है ना, अगर ये लो हो रहा है तो फिर आप समझ जाना कि फिर तो इधर जा ही नहीं सकता है। अगर ये वोल्टेज आपका 3.3 वोल्ट इधर नहीं आया तो इसका मतलब क्या, ये पाथ लो है, आप चेक कर लो आपका पाथ ये लो है। तो थर्मल पे भी आपको काम करना पड़ता है, थर्मल को भी हम आपको
पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले ही बता चुके हैं, और इसी तरह से ये कनेक्टेड रहता है तो दोनों होते हैं। किसी किसी में पीएसएल लॉजिक का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन एसआई अवेलेबल आ रहा होता है, थर्मल जरूर कनेक्टेड मिलेगा, तो थर्मल भी ओके आपका होना चाहिए, पीएसएल लॉजिक भी ओके होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एस फाइव आपका आपकी आईसी के तक पहुंचेगा। तो 3.3 वोल्ट नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आपको इन दो चीजों को समझना है अच्छे से। इसको मैं यहाँ पे फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ। तो ये जो एस फाइव इनेबल जो था, जो आयो से आया था, वो जाके उसका नाम जो है वो चेंज हो गया, 3 वोल्ट 5 वोल्ट का इनेबल हो गया। तो इसे देख लेते हैं कहाँ जाता है ये हमारा, यहाँ भी आया ये, तो यहाँ पे आया तो एक ही इनेबल था, लेकिन यहाँ पे ये बढ़ गया है ना। तो 3.3 वोल्ट इनेबल टू, यानी कि जो 3.3 वोल्ट के लिए है उसका नाम वहां पे क्या हो गया, जाके देखो ठीक है। ये तो लगा नहीं, ये तो कंपोनेंट यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको छोड़ो है ना। तो एलडीयू का चक्कर ही नहीं कोई ना, यहाँ से आया तो गया 3.3 वोल्ट सीधा आ गया। ऑक्सिलरी एस फाइव वाला जो था केबीसी ऑक्सिलरी, वो आ ही गया था यहाँ पे। तो यही जो यहाँ से ये जंक्शन है, इधर से ये चला जाएगा 5 वोल्ट के इनेबल के लिए, यहीं से ये चला जाएगा 3 वोल्ट के इनेबल के लिए। इनेबल एक ही है, ये दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है नहीं, तो इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं। तो कुल मिला के मुझे यही समझना है कि मेरा 3 वोल्ट 5 वोल्ट का इनेबल आएगा। इनमें से अगर ये आ जाता है तो इनमें से आपके दोनों ही आ जाएंगे। ये नहीं होता, कई बार लोग कहते कि अरे सर मेरा तो 5 वोल्ट का इनेबल आ रहा है, इनेबल 1 आ रहा है, इनेबल 2 नहीं आ रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आएंगे तो दोनों आएंगे, नहीं आएंगे तो एक भी नहीं आएगा, क्योंकि पाथ ही है ना। अगर एक भी लो हो जाएगा तो स्वाभाविक है दूसरा तो अपने आप लो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये जो होते हैं वो आपके ये बनते चला जाएगा। इसको भी आप चाहो तो ट्राई करके देख लो, ये आपका इनेबल 1 आ गया। इनेबल वन किसके लिए है, देखो इनेबल वन आपके 5 वोल्ट के लिए है, 5 वोल्ट पावर ऑलवेज हो गया। ये इनेबल टू किसके लिए हो गया, 3 वोल्ट के लिए हो गया, ठीक है। ये आपका इनेबल आएगा कौन सा वाला इनेबल, जब आपका इनेबल 2 आएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, 3.3 वोल्ट बन जाएगा, ओके। अच्छा इधर आ जाओ, ये वाला इनेबल आपका आ जाएगा है ना, इनेबल 1 कितने वोल्ट जनरेट हो जाएगा, ये आपका 5 वोल्ट पावर आपका बन जाएगा, ठीक है। तो जो पावर स्विच लॉजिक होता है, पीएसएल लॉजिक होता है, उसका इतना ही काम होता है कि कहीं ना कहीं वो आपके जो स्टेप डाउन का जो इनेबल होता है, S5 इनेबल होता है, उसके पाथ को हाई रखना है या लो रखना है। कहीं भी ऐसी सिचुएशंस आती है तो अगर पीएसएल लॉजिक हाई है तो पाथ लो हो जाएगा, पीएसएल लॉजिक हाई है पाथ लो हो जाएगा, इनेबल आपका नहीं आएगा। आप कितना भी ट्राई करके देख लो, एलडी बन रहा होगा 3 वोल्ट 5 वोल्ट आपका बन ही नहीं सकता। लेकिन केवल पीएसएल लॉजिक ही इसमें रोल प्ले नहीं करता है, थर्मल भी आपका ओके होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग नहीं समझ पाते हैं भाई थर्मल का और पीएसएल लॉजिक, पीएसएल का जो लॉजिक है, तो आपको दोनों चीजें समझनी है। अगर आप दोनों चीजें परफेक्ट आप कर लेते हैं, आपका 3 वोल्ट 5 वोल्ट बन जाएगा। लेकिन ये इसी केस में होगा